मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से 65 किलोमीटर की दूरी पर महेश्वर तहसील के नायब नाजिर बलिराम सोलंकी को 5000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त इंदौर ने रंगे हाथ धर दबोचा। लोकायुक्त विभाग इंदौर के डीएसपी प्रवीण बघेल ने बताया कि महेश्वर तहसील के पटवारी दिनेश पाटीदार, जिनको कुछ महीने पूर्व काम में लापरवाही बरतने के कारण विभाग ने लंबित कर दिया था, विभाग द्वारा तहसील कार्यालय से संबंधित पटवारी दिनेश पाटीदार के जांच प्रतिवेदन देने के बदले में तहसील में पदस्थ नायब नाजिर बलिराम सोलंकी ने 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी कर रहा था। आवेदक दिनेश पाटीदार पटवारी पूर्व में 5,000 रुपए दे चुका था। शेष बचे 5,000 रुपए देने को लेकर दिनेश पाटीदार ने लोकायुक्त विभाग ने शिकायत की, जिस पर लोकायुक्त इंदौर ने पहले वॉइस रिकॉर्ड की जिसमें रुपए की मांग की। पुष्टि होने पर आज लोकायुक्त इंदौर ने दल गठित कर कार्यवाही करते हुए महेश्वर तहसील के नायब नाजिर बलिराम सोलंकी को 5,000 रुपए लेते हुए ऑफिस में अपने पास रखी तिजोरी में रखने पर पकड़ा, जिस पर भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा में कार्यवाही की जा रही है। खरगोन से संवाददाता महेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। ये पटवारी हल्का नंबर 48 और 60 के पटवारी थे दिनेश पाटीदार, जिनको जो है जून में अपने कार्य में लापरवाही बरतने के एवज में जो है सस्पेंड कर दिया गया था, और सस्पेंशन के बाद इनकी विभागीय जांच संस्थित की गई एसडीएम महेश्वर द्वारा, और उसका प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत करने के लिए उन्हें निर्देशित किया गया था तहसीलदार महेश्वर को, किंतु आज दिनांक तक वो प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसके एवज में जो तहसील कार्यालय में पदस्थ बाबू है बलिराम सोलंकी जो नायब नाजिर है वहाँ, वो इनसे 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग तहसीलदार के नाम से कर रहे थे। तो 5,000 रुपये वो पहले ले चुका था। 12 तारीख को इन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रस्तुत होकर और उसकी कंप्लेंट करी थी कि जो है इनसे 10,000 रुपये की रिश्वत राशि प्रतिवेदन को इनके हिसाब का भेजने के लिए मांगी जा रही है। इस पर जो है वॉइस रिकॉर्डिंग कराई गई थी। वॉइस रिकॉर्डिंग में जो है रिश्वत मांग संबंधी पुष्टि होने से ट्रैप दल का आज गठन किया गया था, और आज 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए बलिराम सोलंकी जो नायब नाजिर है महेश्वर तहसील कार्यालय में पदस्थ, उनको उनके कार्यालय में ही पकड़ा गया है। उन्होंने रिश्वत राशि लेके अपने जो साइड में उनका तिजोरी लगी हुई है उसके दराज में रख ली थी, और अभी हम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत इन पर कार्रवाई कर रहे हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।